देखिए, पहले दिन से हम इस बात को कहते रहे कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए और चुनाव से किसी को डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, चुनाव से भागना नहीं चाहिए। और जो कुछ नॉमिनेशन के समय जाति प्रमाण पत्र का मामला चल रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ये जो है हम अगर कहें तो नैतिक रूप से उचित नहीं। हम पहले दिन से कहते रहे कि कांग्रेस चुनाव से डर रही है, चुनाव से भाग रही है, चुनाव कांग्रेस को पहले दिन से लग रहा है कि ये चुनाव हम नहीं जीतेंगे और इसलिए कांग्रेस सभी प्रकार के हथकंडे जो अपनाए जा सकते हैं सभी हथकंडे कांग्रेस अपना रही है। राज्य सरकार में राज्यपाल जी का जब मामला आता है तो इसकी चर्चा और बातचीत मुख्यमंत्री के स्तर पर होनी चाहिए, परंतु इस राज्य में तो संसदीय सचिव भी बोल देते हैं, मंत्रीगण भी राज्यपाल महोदय को उनका दायरा समझाने लगते हैं। तो जिस राज्य में किसी को ये समझ ही नहीं है कि राज्यपाल के पद का क्या महत्व है, संविधान में उनको क्या दायित्व और जिम्मेदारी है और उनके संबंध में हमारे बोल क्या होने चाहिए, जिनको यही समझ नहीं है उनके विवेक को तो भगवान ही देखेगा कि क्या हो सकता है। देखिए, अवैध शराब बिक रही है, अवैध समय पर बिक रही है और उसका जब आम नागरिक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ में विरोध करते हैं तो उनके ऊपर में जुर्म दर्ज होता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। और जिस सरकार के राज में लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर सांसद को आमरण अनशन पर बैठना पड़े, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकती है। शासन को आज 3 दिन होने के बाद भी शासन को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो सांसद जी से बात करे, समस्या का समाधान करे, उनके आमरण अनशन को समाप्त करवाए। शासन पूरी तरह इसके प्रति भी लापरवाह है और ये भी मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, उनकी विधानसभा में ये सब हो रहा है और ऐसे समय पर शासन प्रशासन का गंभीर नहीं होना ये पूरे छत्तीसगढ़ की लचर कानून व्यवस्था को बताता है। पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह ठप्प पड़ी हुई है, कोई भी नियम कायदे कानून संविधान का पालन नहीं कर रहा है। अब गृह मंत्री इतने डरे हुए और घबराए हुए हैं कि वो राज्यपाल को रिपोर्ट देने तक नहीं जाते। तो आज से राज्य में यहाँ के गृह मंत्री राज्यपाल से डरते हों, वो फिर बाकी अपराधियों के ऊपर में नियंत्रण कैसे ला पाएंगे। और रायपुर शहर में जयस्तंभ चौक जैसे स्थान पर हत्या हो जाए पुलिस की नाक के नीचे, तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगभग पूरी छत्तीसगढ़ में यही स्थिति है कि लगातार हत्याएं होना, लगातार बलात्कार होना, लगातार बैंकों में डकैतियां डलना, तो एक्चुअली पूरे शासन प्रशासन को सरकार ने राजनीतिक कामों में लगाया हुआ है। जो लॉ एंड ऑर्डर का काम जिनका देखने का है, जनता की सेवा करने का काम जिनका देखने का है, वो अपने कामों को छोड़कर बाकी दिगर कामों को कर रहे हैं और उसके कारण छत्तीसगढ़ में पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है, कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हो गई है। एक तरफ जब नक्सलवाद चरम पर था तब भी इतनी हत्याएं सिविलियंस की नहीं होती थी, नागरिकों की नहीं होती थी, पुलिस वालों की नहीं होती थी। पिछले 6 महीनों में जितनी हत्याएं आम नागरिकों की हुई हैं, पुलिस वालों की हुई हैं, तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है? एक एक जिले में, एक एक सप्ताह में नाबालिका को साथ में 6-6 रैप हो जाते हैं, क्या है लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है? 16 साल के बच्चे का अपहरण हो जाता है, रायपुर में तो चाकूबाजी की घटनाएं रोज हो रही हैं। जो सभ्य समाज के लोग हैं उनकी क्लबों में गोलियां चलती हैं, ड्रग्स पकड़ा जाता है लॉकडाउन में। 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक रेत का खनन पर प्रतिबंध है, रोज समाचार पत्रों में फोटोएं छपती हैं, तो यही क्या लॉ एंड ऑर्डर है? कि पूरे प्रदेश में हर वर्ग
अपने स्वार्थों के लिए कानून व्यवस्था को तोड़ने में लगा हुआ है। रेत को लेकर गोली चलती है, चाकू चलता है, जनप्रतिनिधियों के साथ में मारपीट होती है, गांव गांव में धरने प्रदर्शन होते हैं, तो ये क्या लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है? कौन से क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर है? शराब भट्टियों में लूट होती है, एटीएम लूटे जाते हैं, कम से कम जो रात्रि गश्त होना चाहिए, जो चौक चौराहों पर गश्त होना चाहिए, मुझे लगता है कि जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं वो खाली सरकार की जी हुजूरी करने में लगे हैं। उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो समय मिलना चाहिए वो समय नहीं मिलता है, ना लॉ एंड ऑर्डर के लिए उनको कहा जाता है, ना उनसे करवाया जाता है।